और ये वाला प्लांट देखो देखो फ्रेंड्स, ये भी ऐसे मुरझा सा गया। देखो ये मैंने यहाँ छत पे रख दिया ना, तो इसका पानी सूख गया। अभी इसमें पानी डाला है, तो अभी देखो अभी इसमें पानी डालना है, तो ये थोड़ा सा ऐसे इसमें जान सी आ गई। ऐसे लग रहा है जैसे ये मरी सी गया। देखो ये कैसे मुरझा गया। अब इसको मैं गमले में रिपोर्ट कर ही देती हूँ। मेरे पास देखो ये गमला पड़ा है खाली, इसी में मैं इसको लगा ही देती हूँ आज, तो वरना तो ये 2-3 दिन में तो ख़राब ही हो जाएगा। और ये मुझे नर्सरी से लिया था मैंने, तो 60 रुपये में दिया था उन्होंने मुझे ये। तो फ्रेंड्स मैं इसको भी रिपोर्ट कर देती हूँ और आपको फास्टली दिखाऊंगी रिपोर्ट करके। इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये फ्लावर वाला प्लांट है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं। अब फ्लावर तो मैंने पूछा नहीं कि कौन से किस कलर के आएंगे और कितने बड़े बड़े फ्लावर आएंगे, लेकिन मैंने देखे हैं कि इसके गुलदावली के इतने बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। तो मैं पहले इसको रिपोर्ट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ रिपोर्ट करके। और मिट्टी तो ये पहले से गमले में तैयार है। देखो ये खाद वाली मिट्टी है, इसी में मैं लगा दूंगी। एक बार इस मिट्टी को निकाल के और फिर इसको रिपोर्ट करके फिर भरूंगी। तो फ्रेंड्स मैं लगा देती हूँ। देखो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी रूट्स दिखाती हूँ। ये देखो कितनी घनी सारी है। ये पोट इसके लिए छोटा पड़ रहा था, तभी ये देखो ये सूखता जा रहा था। जो मैंने गलती की वो आप गलती कभी ना करना। इतना बड़ा प्लांट हमें नर्सरी से कभी नहीं खरीदना चाहिए, हमें छोटा ही खरीदना चाहिए। तो इस प्लांट के मैं 2 पार्ट कर दूंगी और फिर अलग अलग में लगाऊंगी। तो देखो मैं आपको फास्टली दिखा रही हूँ, ये इसके 2 पार्ट करते हुए, ये देखो ये मैंने अलग अलग कर लिए 2 पार्ट। एक को तो मैं इसी गमले में लगा दूंगी, एक को और देखती हूँ किस में लगाऊँ। और फिर ये जब ये लग जाएगा 4-5 दिन के अंदर, ऐसे लगेगा कि सही से लग गया, तो फिर मैं इसकी कटिंग भी लगाऊंगी और फिर इसको इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये ऐसे ही लंबा लंबा बड़ा हुआ है। तो इसकी प्रूनिंग कर दूंगी, ऊपर से ये पत्तियाँ वगैरह काट दूंगी, तो और अच्छी छोटी छोटी अच्छी पत्तियाँ आ जाएंगी और ये फिर बुशी टाइप में बना लूंगी मैं इसको। बस ये एक बार लग जाए, क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से मैंने इसको छत पे रख दिया और पानी इसका सूख गया, तो उस वजह से ये देखो ऐसे मुरझा सा गया। लेकिन जब मैं लेके आई थी तब ये हरा भरा था। तो फ्रेंड्स ये प्लांट तो मैंने इसमें लगा दिया है, अब दूसरा देखती हूँ किसी में लगाऊँ, क्योंकि मेरे पास गमला तो खाली है नहीं, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ किस में लगाऊँ। तो फ्रेंड्स देखो ये लेके आई हूँ मैं, ये वाला प्लांट इसमें मैं लगा दूंगी। ये ग्रो बैग है, मैंने घर पे ही बनाए थे कट्टे के, मशीन से सील कर। तो आप भी ऐसे ग्रो बैग बना सकते हैं, अगर हम आपको छत पे गार्डनिंग करनी है। तो मैं ये अभी तो इसी में लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास खाली गमला है नहीं, और जब कोई गमला वाला आएगा तो उसे ले लूंगी नया और फिर इसको उसमें रिपोर्ट कर दूंगी। तो ये देखो ये दूसरे वाला मैंने इसमें लगा दिया है और ये मेरे दोनों प्लांट लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों प्लांट मैंने लगा दिए हैं और इनको मैं यहाँ इनके दूसरे जो प्लांट हैं इनके पास रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे छाया रहती है और बस इनमें फिर पानी डालना है यहाँ पे रख के। तो फ्रेंड्स ये गुलदाउदी के प्लांट जब भी आपको लेने हो तो छोटा प्लांट ही लो, बड़ा प्लांट कभी भी मत लो। और ये फ्लावर वाला प्लांट है जो हमारे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर देता है। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा पानी। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।